में फौज की जानिब से मेडिकल कैंप लगाया, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसके हवाले से हम जितनी भी तारीफ करें कम है, क्योंकि यहाँ तकरीबन है हमारे 100 मीटर भी दूर मतलब बॉर्डर पड़ती है हमारे पाकिस्तान की, तो यहाँ सिविल का आना बहुत दुश्वारी है, बहुत मुश्किल है। तो फौज का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतनी जीरो लैंड पे आके हमें जो है ये दवाई आज मुहैया करवाई है। इसमें खास करके जो है लेडी डॉक्टर साहब भी आई हैं, लेडीज को जो दवाई मिली है ये लेडीज की दवाई हमें, लेडीज क्योंकि बरवक्त पूंछ में जा नहीं सकती, एक तो बहुत महंगी दवाई है, तो ये लेडीज के लिए दवाई, बच्चों के लिए हर कुछ अब किया, बुजुर्ग आए हैं लोग, तो ये खासकर आपके जो गाँव बॉर्डर पे है बिल्कुल यहाँ पे नूरकोट, तो इस गाँव की कितनी आबादी है? सर, हमारे गाँव की तकरीबन 2100 आबादी है। तो दूसरे तीसरे महीने कैंप लगाती है, सिविल लोग को चेकअप करती है, चेकअप करके उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से दवाई देते हैं और लोग ले जाते हैं। तो सर, अगर खासकर ये आपका बॉर्डर इलाका है, बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो खासकर यहाँ पे एक लेडी डॉक्टर भी फौज की जानिब से लाई गई है लेडीज चेकअप के लिए भी, और उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? वो भी बैठे हुए हैं सर, लेडीज को चेक कर रहे हैं, अच्छी तरीके से दवाई दे रहे हैं और लेडीज दवाई लेके घर वापस जा रहे हैं। तो खासकर फौज के हवाले से आप फौज को क्या कहना चाहेंगे जो फौज ने मेडिकल कैंप लगाया? फौज को हम यही मुबारकबाद देना चाहते हैं।